नॉमिनेशन करने जा रही है तो कौन कौन लोग आएंगे बड़े नेता? देखिए आज मेरा नॉमिनेशन है आदमपुर विधानसभा के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आदमपुर विधानसभा पे उम्मीदवार बनाया मेरा मुझ पर विश्वास करके। और आज नॉमिनेशन के दिन मेरे साथ यहाँ लोकसभा से हमारे जो हैं सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी मेरे साथ रहेंगे और हरियाणा विधानसभा में प्रभारी के तौर पे उत्तर प्रदेश से मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ रहेंगे और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष रहेंगे और इसमें सात वाली सीट से रणवीर गंगवा जी और पहले चुनाव जो लड़े हमारी पार्टी से आदमपुर विधानसभा से कर्ण सिंह रनौलिया जी हमारे साथ रहेंगे और बाकी हमारे सभी कार्यकर्ता और आदमपुर विधानसभा की पूरी भाजपा की टीम रहेगी और भी मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो लोग भी बाहर से भी आए हैं, वो लोग भी मुझे हिम्मत देने के लिए आए हैं और सब लोग वेट कर रहे हैं। तो मैडम हल्का आपका बदला है तो इतना कम समय है तो किस तरीके से तैयारियां करेंगे आप अपने? देखिए हल्का ज़रूर बदला है और पार्टी वही है तो मेरी पार्टी से मुझे हिम्मत मिलती है और मेरी पार्टी ने ऐसे काम कर रखे हैं कि मैं मेरी पार्टी और हम किसी के मोहताज नहीं है और जो लोग भ्रष्टाचारी हैं और जिन्होंने कोई हल्के के लिए काम नहीं किया तो और हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं हल्के के और प्रदेश के विकास के लिए तो हम लोग कहीं भी हम अपने आप को कम नहीं समझते। हम इस विधानसभा में जीत हासिल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की इस बार आदमपुर हल्के की ये सीट भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, कमल के फूल की जीत होगी। तो ये चैलेंजिंग सीट है, भजन लाल के गढ़ को किस तरह से तोड़ पाएंगे आप? देखिए बिल्कुल साफ है जो एक आदमी पिछले 50 सालों से इस बात को लेके एक परिवार चल रहा है, भजन लाल जी ने ज़रूर अच्छे काम किए लेकिन क्या कुलदीप बिश्नोई वहाँ के कार्यकर्ता बता सकते हैं? उन्होंने लोगों के लिए काम किए, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, किस बेस पे वो वोट मांगेंगे? और मैं एक कार्यकर्ता हूँ पिछले 12 सालों से भाजपा की और पिछले 5 साल से हरियाणा में काम कर रही हूँ, लोगों के लिए काम किया है। मैंने सात वाली सीट नलवाल के में बहुत काम किया है, हर एक आदमी जानता है क्योंकि सात वाली सीट है, आदमपुर के लोग भी जानते हैं, मुझसे परिचित हैं और उनको पूरा विश्वास करके वो मुझे वोट करेंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई जी इस में कामयाब हो पाएंगे इस बार लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने में, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में क्योंकि सब लोग मानते हैं कि कोई